कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश में मंगलवार को लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने राहुल की सभा से पहले ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी जब प्रदेश में आए तो उनको विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वायदे जरूर याद करने चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि उनमें से कितने वायदे पूरे किए गए। कल राजस्थान में जब पिछली बार जब आए थे तो लोग राजस्थान विधानसभा के चुनाव के समय उन्होंने बहुत कुछ वादे किए थे और उन वादों के आधार पर राजस्थान की जनता से वोट मांगे थे। कल फिर लोकसभा के चुनाव के प्रचार का आगाज करने राजस्थान आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार अपने पुराने वादों को वो स्मृति पटल पर डालें और याद करके उनमें से कितने वादे पूरा किए राजस्थान की जनता को इनका हिसाब देते जाएं। उन्होंने कहा था आने के बाद 10 दिन में किसानों के संपूर्ण ऋण को माफ करेंगे। आज 90 दिन इस सरकार को हो चुके हैं और 90 दिन के बाद भी 99,000 का करोड़ का कुल ऋण राजस्थान के किसानों के ऊपर था। खुद अपने मुंह से गुणगान करती है कांग्रेस की सरकार, वो आंकड़ा आता है लगभग 1500 करोड़। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।